उपसभापति महोदय, मैं अपने मित्र अब्दुल वहाब के प्रस्ताव को पढ़ा और ध्यान से पढ़ा। मुझे लगा कि कल प्रधानमंत्री जी के भाषण के बाद और अमृतकाल के प्रथम बजट के बाद जिस प्रस्ताव को उन्होंने इससे पहले दिया था उसका पुनरीक्षण करेंगे। चूंकि अब्दुल वहाब साहब एक रैशनल हैं, इसने मुझे उम्मीद थी। आज थोड़ी निराशा हुई, उन्होंने तो पुनरीक्षण नहीं किया, विपक्ष के साथी खास करके मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के मेरे मित्र लगातार ऐसी बातें करते रहे जो उनके ही सिद्धांत के प्रतिकूल है। इसके पहले कि मैं थोक बातों को कहूं, मैं कुछ खुदरे मामले को सुलझा लेना चाहता हूं। जॉन बिटास साहब ने कर्नाटक का उल्लेख करके एक मुद्दे को उठाया, मैं इन मुद्दों पर जाना नहीं चाहता था। जॉन बिटास साहब को ध्यान होगा 1957 में जब केरल में चुनी हुई कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी और इमेश नमुद्रीपाद मुख्यमंत्री बने, तो नेहरू सरकार और नमुद्रीपाद की सरकार के बीच बोन ऑफ कंटेंशन क्या था? एक ऐसी शिक्षा पद्धति लाई पहली बार संसद के भीतर भारतीय जनसंघ के सदस्यों ने सीपीएम के शिक्षा नीति के प्रति अपनी सहानुभूति दिखाई, चूंकि शिक्षा नीति का उद्देश्य केरल में एक सेकुलर एजुकेशन लाना था। किन ताकतों ने विरोध किया, सड़क से लेकर सदन तक, मुझे बिटास साहब को बताने की जरूरत नहीं है। उप सभापति महोदय, संसद के डिबेट के पन्नों में वे सभी बातें उल्लेखित हैं। और सिर्फ शिक्षा नीति के विरोध के कारण और मार्क्सवादी सरकार को, मैं उस वक्त के नमुद्रीपाद की सरकार को मैं दाद देता हूं कि एक सेकुलर इथॉस की शिक्षा लाने के लिए, जिसके लिए कर्नाटक सरकार ने पहल की कि शिक्षण संस्थाओं में भेदभाव ना हो, उस नमुद्रीपाद की सरकार को 1959 में उखाड़ कर फेंक दिया। उपसभापति महोदय, जो समाज, जो विचार, प्लीज प्लीज जॉन बिटास जी, प्लीज डू नॉट, जो राजनीतिक दल और जो नेता अपनी बुनियाद और विरासत को भूलकर संदर्भ के अनुकूल अपने आप को बदलता है, वह विचार, वह संगठन, वह दल, वह देश, वह सभ्यता का अंत होता है। हम जिस विचार के हैं, जिस संगठन के हैं, उसके विचार में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कल इसी सदन में जब कहा सबका साथ सबका विश्वास, सबका प्रयास सबका विकास, ये साथ विकास विश्वास और प्रयास से क्या है? जब भारत का संविधान बना और हमने अपने आप को गणतंत्र घोषित किया, उस संविधान में हम भारत के लोग, यानी हम भारत के लोगों ने, हम भारत के लोगों को संविधान समर्पित किया था, यानी वन नेशन वन पीपल, एक राष्ट्र और एक जन की जो अवधारणा, जिसको संविधान सभा के उपाध्यक्ष डॉक्टर एस सी मुखर्जी, जो आस्था से ईसाई थे, ये मेरे लिए दुर्भाग्य की स्थिति है, ऐसे नायकों के धर्म और आस्था का नाम आज विमर्श में लेना पड़ रहा है। विपक्ष यह स्थिति पैदा कर रहा है, जिन नायकों को हम उनके कर्तित्व और व्यक्तित्व से जानते हैं, उन नायकों को हम आस्था और धर्म से जानते हैं। एस सी मुखर्जी जी ने कहा था, इफ यू वांट टू क्रिएट वन नेशन एंड वन पीपल, डिवीजन ऑफ द पीपल इन द नेम ऑफ रिलीजन इज डेट्रीमेंटल एंड डिजास्टर्स फॉर ए नेशन। प्लीज नो कमेंट। और नो कमेंट। और मुस्लिम लीग बिहार के अध्यक्ष तजामुल हुसैन संविधान सभा के सदस्य थे, तजामुल हुसैन ने संविधान सभा में जो बात कही, द टर्म एंड कंसेप्ट ऑफ मानिटी इज ए ब्रिटिश क्रिएशन, ब्रिटिशर्स हैव गॉन विद देम, द टर्म एंड कंसेप्ट ऑफ मानिटी हैज गॉन, प्लीज थ्रो दिस टर्म फ्रॉम योर डिक्शनरी, बिकॉज वी वर्शिप सम रीजन फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव, दैट डज नॉट मेक मी माइनॉरिटी। सभापति महोदय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उस प्रयास, उस दृष्टिकोण पर आने से पहले इस देश की एक वैशिष्ट को, एक सौंदर्य को मैं बताना चाहता हूं। जब 1885 में कांग्रेस बना एक राष्ट्रीय मंच के रूप में, उसके पहले अध्यक्ष कौन हुए? डब्ल्यू सी बनर्जी। मैं उनकी आस्था नहीं बताना चाहता हूं, लेकिन आज आवश्यकता कभी कभी पड़ जाती है, ईसाई। दूसरे अध्यक्ष कौन हुए? दादा भाई नौरोजी, क्या थे? पारसी थे। तीसरे अध्यक्ष कौन हुए? बदरुद्दीन तैयब जी,
क्या थे? मुस्लिम थे। चौथे अध्यक्ष क्या कौन हुए? जॉर्ज उले। पांचवे कौन हुए? वेटरवर्न और बाद में फिरोजशाह मेहता। किसी बहुमत के देश में किसी ने नहीं कहा कि हमारा अध्यक्ष नहीं। मेजोरिटी या माइनॉरिटी की परिभाषा क्या होती है? दूसरे उदाहरण को देखकर मैं अब समकालीन स्थिति पर आना चाहता हूं। 1885 में 72 डेलीगेट्स आए थे, उसमें 59 हिंदू थे, 2 क्रिश्चियन थे, 2 मुस्लिम भाई थे, 9 पारसी थे। और 1931 के सेंसस में पारसी की संख्या इस देश में 109,742 थी। जिस धर्मावलंबियों की संख्या 0.0047% थी, उसकी का रिप्रेजेंटेशन 9 था। मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि इस देश में, इस देश की विरासत में, इस देश के इतिहास में, इस देश की परंपरा में भेदभाव इसके चरित्र में, इसकी चिति में, इसके मूल पिंड में रहा ही नहीं है। उसी विरासत को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चल रहे हैं। अभी तो भूमिका है। उपसभापति महोदय, मैंने जब तजामुल हुसैन को उद्धृत किया, मैं पटना में उनका घर खोजने गया था। वो नहीं थे, अमेरिका शिफ्ट कर चुके थे। मैं उनसे मिलना चाहता था कि कौन सा व्यक्ति है जिसने कहा कि अपने शब्द को से इस शब्द को फेंक दीजिए। लेकिन विपक्ष के लोगों ने उसी शब्द को शब्दकोश का पहला और अंतिम शब्द बनाकर रखा। जब इस देश में 2014 में एक सरकार बनी, अनेक प्रकार की कोलाहल, जिन लोगों की हल्की जड़ और जमीन उखड़ गई, चाहे वो न्यूयॉर्क टाइम्स का एडिटोरियल बोर्ड था कि हिंदुस्तान के लेफ्ट लिबरल थे, एक कोलाहल पैदा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिन योजनाओं को की शुरुआत की, पहली योजना जनधन योजना थी, फाइनेंशियल इंक्लूजन की योजना थी। इस देश के गरीब लोग जो गांव में, कस्बों में, झुग्गी में, झोपड़ी में रहते हैं, बैंक का साइन बोर्ड देखते थे, लगता था बड़े लोगों की जगह। आज 40 करोड़ से अधिक लोग, जो 47 करोड़ की संख्या हो चुकी है, और जब मैं आंकड़े बोल रहा हूं तो थोड़ी देर बाद गूगल में वो आंकड़े बदल जाएंगे, क्योंकि यह प्रक्रिया निरंतर चल रही है फाइनेंशियल इंक्लूजन की। 47 करोड़ लोग जब बैंकिंग सिस्टम के हिस्सा बने तो ये कौन लोग हैं? जिस सत्तर कमेटी ने कहा कि अधिकांश संख्या गरीबों की, एक खास समुदाय की है, तो स्वाभाविक रूप से उस 47 करोड़ लोगों में जनधन योजना में वे पहुंचे। उपसभापति महोदय, इस देश में 7 दशकों के शासन व्यवस्था में हमने गरीबी रेखा को अपना एक वैशिष्ट्य बना लिया था, बिलो पॉवर्टी लाइन। एक क्रॉनिक डिजीज के रूप में इस देश में डाल दिया गया था कि बिलो पॉवर्टी लाइन क्या होता है। राजनेता सम्मान से बोलते थे कि बिलो पॉवर्टी लाइन 0.1% ऊपर गया, 0.1% नीचे गया। इस देश में लोग 2 जून अनाज के बिना मर जाते थे। जिन लोगों ने गांव में अपनी जिंदगी बिताई है, उन गांवों में देखा है। उपसभापति महोदय, आप स्वयं समाजवादी विचारधारा से आते हैं, गरीबी और भूख की न जाति होती है, न संप्रदाय होता है, न क्षेत्र होता है, न भाषा होता है। जब 81 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस युग में, जो नवउदारवाद का युग है, जो नवउदारवाद का दर्शन कहता है कि सब्सिडी बंद कर दो, पूरी दुनिया में नवउदारवाद सब्सिडीज के खिलाफ लड़ रहा है। पूरी दुनिया में नवउदारवाद, चाहे अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, या कोई विकासशील देश हो, नवउदारवाद का सिद्धांत कहता है कि आप वेलफेयर मेरे मेजर्स मत दीजिए, लोगों को बाजार में छोड़ दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस नवउदारवाद में पूरी दुनिया में एक तीसरा, कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म के बीच में जो तीसरा थर्ड वे निकाला है, और पूरी दुनिया को एक मॉडल दिया, प्रतिमान दिया है कि इस देश का गरीब, इस देश का किसान, इस देश का मजदूर, और जिसको मार्क्सवादी सर्वहारा कहते हैं, उसमें से एक भी व्यक्ति राज्य के संपोषण के बिना नहीं रहेगा। 81 करोड़ लोगों को जो अनाज पहुंच रहा है, वह अनाज क्या धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र देखकर पहुंच रहा है? आज पूरे हिंदुस्तान को इस बात का गर्व करना चाहिए कि हम भारत के लोग, ये 2 शब्द, ये 2 ताकतवर शब्द जिसको बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान सभा का हिस्सा बनाया, उस शब्द का, वह शब्द स्लोगन नहीं, सबस्टांस, सांकेतिक रूप में नहीं बल्कि ठोस रूप में जमीन पर उतर चुका है। इसका पूरा श्रेय भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को जाता है।
एक तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं सभापति महोदय, स्वास्थ्य और चिकित्सा का क्षेत्र, हम जानते हैं कि जिन देशों से हम शत्रुता का भाव है वहां से भी लोग मेडिकल टूरिज्म के लिए भारत आते हैं। यह भारत के सेकुलर इथॉस को दिखाता है। स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में जब आयुष्मान योजना शुरू की गई और जन औषधि केंद्र शुरू किया गया, तो क्या किसी 9,000 या 10,000 से अधिक जन औषधि केंद्रों पर क्या किसी से पूछा जाता है कि आप प्रमाण पत्र दिखाइए आप किस धर्म से हैं? जन औषधि केंद्र पर एक ही चीज पूछा जाता है, आपको किस जेनरिक मेडिसिन की आवश्यकता है, वो मेडिसिन हम दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उन गरीबों तक उस दवा को, उन गरीबों तक उस भोजन को, उन गरीबों तक बैंक अकाउंट तक पहुंचा रहे हैं। यह सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास नहीं है तो और क्या है, ये विपक्ष में बता दें। जिस बात की ओर मैं आपको इंगित करना चाहता हूं सभापति महोदय, जब 70 कमेटी का रिपोर्ट आया, मेरे विद्वान साथी हैं शायद उन्होंने पढ़ा होगा, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम लाइब्रेरी में उसके 25,000 पृष्ठ रखे गए। मैं उसको पढ़ना चाहता था और आपको बता दूं कि डायरेक्टर ने कहा पेजिनेशन नहीं हुआ है, मैं कहा कि पेजिनेशन मैं करता हूं, उन्होंने एक सहयोगी दिया चुके, मुझे पढ़ने की जल्दी थी, मैं उनके सहयोगी के साथ पेजिनेशन किया। डायरेक्टर भी हमारे विचार की नहीं थी, मृदुला मुखर्जी जी थी, उनको सहयोग के लिए भी मैं धन्यवाद देता हूं। जब मैं उस रिपोर्ट को के उन पृष्ठों को पढ़ा तो एक दो बात को मैं सदन को बताना चाहता हूं। उन पेजों में एक महत्वपूर्ण बात आई, ये कांग्रेस पार्टी ने इस कमेटी का निर्माण किया, उसकी विरासत क्या थी। 1871 में हंटर कमेटी का गठन किया गया था, लॉर्ड मेयो ने कलकत्ता में विलियम विल्सन हंटर के नेतृत्व में एक हंटर कमेटी बनाई थी मुसलमानों की स्थिति जानने के लिए। उस कमेटी ने जो रिपोर्ट दिया और जिस प्रकार से ब्रिटिश साम्राज्य ने उसके आधार पर तुष्टिकरण और मेजोरिटी माइनॉरिटी के डिवीजन को इंस्टीट्यूशनलाइज किया, संस्थागत रूप दिया, उस रिपोर्ट के बाद 4 और रिपोर्ट आए। मुस्लिम लीग ने पीरपुर कमेटी का रिपोर्ट 1947 में दिया, शरीफ कमेटी का रिपोर्ट आया, फजल हक कमेटी का रिपोर्ट आया। इन सभी रिपोर्ट में एक ही दास्तान था। पीरपुर रिपोर्ट में कहा गया था कि महात्मा गांधी का चित्र लगाना और तिरंगा झंडा लगाना बहुमतवाद का मेजोरिटेरियनिज्म है और इसी कारण से ये हिंदू फासिज्म आ रहा है। जब संविधान बना और तो हमें उम्मीद कर रहे थे उस विरासत से देश को हम अलग करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वो जो खाई पैदा हुई 47 से लेकर 2014 तक की, उसी खाई को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिन नीतियों और कार्यक्रमों को रखा, मैं उसे दो महत्वपूर्ण बातों का जिक्र करना चाहता हूं। जब राज्य की कल्याणकारी योजनाएं लागू होती हैं तो राज्य की नीति होती है और राज्य का कार्यक्रम होता है। उस नीति और कार्यक्रम के तहत राज्य ने एक पक्ष को ध्यान में रखा, जो तबका गरीब है, जो पिछड़ा है, जिसके ऐतिहासिक कारण है, उस गरीब और पिछड़ों को जो मिलना चाहिए था वो जरूर मिले। जिस ओबीसी के लिए बात की जा रही है उसके लिए ओबीसी कमीशन को संवैधानिक रूप दे दिया गया। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब एक हिस्टोरिकल, एक ऐतिहासिक कारण है, हम सब उस ऐतिहासिक कारण से जानते हैं। उनको उस सामाजिक आर्थिक व्यथा से, व्यतिक्रम से और दलदल से निकालने के लिए सरकार ने ठोस कार्यक्रम की घोषणा की। शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट के बजट में जो वृद्धि हुई है और शेष जनता के बजट में जो वृद्धि हुई, वेलफेयर कार्यक्रमों में जो वृद्धि हुई है, जो नेशनल हाईवे का निर्माण हो रहा है, हर घर में नलकूप पहुंच रहा है, जिस घर में जल पहुंच रहा है, जिस घर में शौचालय पहुंच रहा है, उस घर में अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का बोर्ड लगा हुआ नहीं है, जिस बोर्ड को लॉर्ड मेयो ने, लॉर्ड कर्चन ने लगाया, जिस बोर्ड को लगाकर पंडित नेहरू चलते रहे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस बोर्ड को लगाने के लिए तैयार नहीं है। आपको जो कहना है कह लीजिए, हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के आधार पर चलेगी। जो एक महत्वपूर्ण और निर्णय प्रधानमंत्री जी ने लिया कि देश की विरासत को उभारना, जब देश की विरासत उभारा जाता है सभापति महोदय,
उससे स्वतंत्रता संग्राम का एक बड़ा इतिहास था। जब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि तिरंगा यात्रा निकालो तो मैं एक घटना का जिक्र करना चाहता हूं आपकी अनुमति से। मेरे जैसा समाजशास्त्र का विद्यार्थी उसी एनसीईआरटी की किताब के दायरे में बंधा हुआ रह जाता। मैं यह जानना चाहता था, धर्म नहीं, जाति नहीं, क्षेत्र नहीं, भाषा नहीं, कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसका जन्म हुआ और जन्म से पहले उसका पिता शहीद हो गया। मैं 400 स्थानों पर फोन किया। अंत में वर्धा में अरविंद मालपे मुझे मिले, डॉक्टर अरविंद मालपे, जिनकी उम्र 81 साल थी। उनके स्वर्गीय पिता गोविंद मालपे 1942 में चिमूर में जब ब्रिटिश सरकार ने बर्बरतापूर्ण गोली चलाई तो शहीद हो गए। वो अरविंद मालपे का धर्म, जाति, रंग, राजनीतिक पार्टी का कोई महत्व नहीं था। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की यह कल्पना थी कि भारत की विरासत को उभारा जाए। संभवतः 20 साल और बीत जाते तो अरविंद मालपे की, गोविंद मालपे की कहानी सामने नहीं आ पाती। मैं ठीक अपने क्षेत्र 42 में, चूंकि आप अंग्रेजों के साथ थे, मैं उसका जिक्र नहीं करूंगा, आप चिंता मत कीजिए। ठीक मैं उसी प्रकार जब मैं अपने गृह क्षेत्र बेगूसराय गया तो स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान कर रहा था। उसमें हमने जाति धर्म नहीं देखी, उस किस पार्टी के थे नहीं देखा, उनका सम्मान 11 लोगों के सम्मान करने में एक व्यक्ति शहीद कुमार था, उनके परिवार को। मैंने पूछा आपका नाम शहीद कुमार कैसे पड़ा। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यह की प्रेरणा है कि जन इतिहास को कुल इतिहास के ऊपर रखो, इसमें किसी की साया ना पड़े धर्म जाति क्षेत्र की। तो शहीद कुमार ने कहा जब उनके पिता को खंजर से ब्रिटिश अधिकारी मार रहे थे तो अस्पताल जाते वक्त उन्होंने मृत्यु से पहले, शहादत से पहले कहा कि जाओ शहीद कुमार आ रहा है। मुझे दो ऐसे लोग मिले, गोविंद मालपे के पुत्र अरविंद मालपे वर्धा में और शहीद कुमार बेगूसराय के मेघौल में, जिनके पिता शहीद हुए, पुत्र का जन्म बाद में हुआ। इस देश की यह विरासत है। यह साझी विरासत को अल्पसंख्यक बहुसंख्यक के नाम पर मत बांटिए, गरीबी को, बेरोजगारी को, कानून और व्यवस्था को अल्पसंख्यक बहुसंख्यक के नाम पर मत बांटिए। सेंट जेवियर कॉलेज का केस था, सेंट जेवियर कॉलेज वर्सेस गुजरात राज्य, जिस केस में साफ तौर पर सर्वोच्च न्यायालय के 9 बेंच के जज ने कहा था कि आर्टिकल 29 और 30 को कंपेटिबिलिटी के साथ देखे। जावेद जी बोल रहे थे, अभी नहीं है। उसके बाद सेंट स्टीफेंस कॉलेज का केस आया जिसे पांच लोगों के बेंच ने निर्णय दिया। दोनों ने क्या निर्णय दिया? सेंट स्टीफेंस कॉलेज के सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने जो निर्णय दिया बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत की जो पंथ निरपेक्षता का मूल पिंड है, उस मूल पिंड को सर्वोच्च न्यायालय ढूंढते हुए कहता है कि शिक्षण संस्थानों में सेग्रीगेशन, रिलीजन के आधार पर सेग्रीगेट करना, धर्म के आधार पर लोगों को बांटकर बैठाना, यह सेकुलर इथोस का एंटीथेसिस है। जो आप पंथ निरपेक्ष देश का निर्माण करना चाहते हैं, जो एक सेकुलर डेमोक्रेसी बनाना चाहते हैं, उस सेकुलर डेमोक्रेसी में शिक्षा का बहुत महत्व होता है। मैं 3 लोगों का नाम लेता हूं, हुमायूं कबीर, मोइन सकीर और AA फैजी। AA फैजी यूपीएससी के चेयरमैन थे, हुमायूं कबीर को हम सब जानते हैं। इन तीनों में किसी का संबंध हमारी विचारधारा से नहीं था, ये सभी मार्क्सवादी विचारधारा के थे। तीनों ने क्या कहा? तीनों ने साफ तौर पर कहा, वही बात कही जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज शिक्षण संस्थाओं में, वेलफेयर योजनाओं में लागू कर रहे हैं, कि धर्म के आधार पर प्रतिस्पर्धा करना सेकुलरिज्म को प्राप्त करना नहीं होता है। AA फैजी ने कहा कि हमारा संविधान और हमारी विरासत दोनों हमें इस बात की अनुमति नहीं देता है कि हम लोगों को बांटे, हम लोगों को समान आंखों से देखें। इसलिए जो अल्पसंख्यक संस्थाओं की बात करते हैं, उसी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की बात करता था, मैं इन बातों को छेड़ना नहीं चाहता था, लेकिन इस देश का सबसे गरीब तबका शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब है, उनको उन विश्वविद्यालयों में न फैकल्टी में न छात्रों में रिजर्वेशन का अधिकार है। संविधान वहां पर समाप्त हो जाता है, संविधान टर्मिनेट हो जाता है, वहां एक नया संविधान शुरू होता है कि हम जो चाहेंगे वही चलेंगे। वी विल एडमिनिस्टर अकॉर्डिंग टू आवर ओन विशेष विल। एक सेकुलर देश में यदि सभी धर्म, सभी जातियां, सभी भाषा के लोग, सभी क्षेत्र के लोग अपने अपने अनुसार से यदि अपनी संस्थाओं को चलाना शुरू करेंगे, चलाएं, चलाने की आजादी है। अपनी लिपि को, अपनी संस्कृति को, अपनी परंपरा को रक्षा करने के लिए शिक्षक अपनी तरह से दें, लेकिन शिक्षण संस्थाओं का दरवाजा उन लोगों के लिए बंद नहीं करें जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, जो ऐतिहासिक रूप से पिछड़े रहे हैं। आज हम हर तरह से प्रयास कर रहे हैं कि इस पिछड़ापन को, चाहे अध्यात्म का आधार हो, चाहे संस्कृति का आधार हो, चाहे कल्याणकारी योजना हो, उनके साथ कोई भेदभाव ना हो।
इसलिए मैंने कहा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के बाद एक घोषणा की कि हम तुष्टिकरण की नीति को नहीं अपनाते हैं, इसका संबंध किसी धर्म से नहीं है, यानी कि कानून के आधार पर, संविधान के प्रावधानों के आधार पर, नीतियों के आधार पर देश चलेगा, और देश चलने में हम धर्म को बीच में नहीं लाएंगे। प्लीज प्लीज उपसभापति महोदय, उपसभापति महोदय, मैं सच्चर कमेटी पर थोड़ा प्रकाश डाल दूं। जब रोटी रोजगार का हम संप्रदायीकरण करते हैं, जब आर्थिक बातों का संप्रदायीकरण होता है, तो देश सबसे अंत में वहीं बढ़ता है। जब तक सांप्रदायिकता सामाजिक क्षेत्र में रहती है तो संघर्ष होता है, रिलीजन के धर्म के क्षेत्र में होता है तो कट्टरता बढ़ती है, लेकिन जब आर्थिक क्षेत्र में सांप्रदायिकता का प्रवेश होता है तो देश बढ़ जाता है। आप 47 का इतिहास देख लीजिए, देश इसलिए बटा था कि हर जगह एक समानांतर बिजनेस चैंबर बन गया, हर जगह मजदूरों का समानांतर ट्रेड यूनियन बन गया धर्म के आधार पर। जैसे जैसे लोग आर्थिक आधार पर बटने लगते हैं, एक दूसरे से अलग होने लगते हैं, फिर देश के बटने के लिए सिर्फ भूमि पर सिर्फ एक लाइन खींचना होता है। हम 47 के बाद ही हिंदुस्तान को उस त्रासदी से, उस यात्रा से गुजारना नहीं चाहते हैं। इसीलिए तो विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में जो प्रधानमंत्री जी ने मनाने का निर्णय लिया, उसके पीछे कारण क्या है? इस देश की नई पीढ़ियां पोस्टरिटी ऑफ इंडिया शुड नॉट नो व्हाट वाज द रीजन ऑफ पार्टीशन ऑफ द कंट्री। जिस देश को बांट दिया गया, लाखों लोग घर विहीन हो गए, निर्दोष बच्चे और महिलाओं के साथ जो ज्यादती हुई, इसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती है। क्या इस विभीषिका को हम जाने नहीं? क्या हम इतने विवेक शून्य है कि यदि जान लेंगे तो हम उस विभीषिका में पुनः प्रवेश कर जाएंगे? दो बातों के लिए जाना जाता है। कुछ लोग इसलिए जानना चाहते हैं कि उनको सांप्रदायिकता फैलाना होता है, हम लोग इसलिए जानना चाहते हैं कि हम ऐसी सांप्रदायिकता के विष को समाप्त करना चाहते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वह निर्णय लिया जो 47वें जवाहरलाल नेहरू को लेना चाहिए था, जो बाद के प्रधानमंत्रियों को लेना चाहिए था, नहीं लिए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश को बताया कि अपने इतिहास को जानो, अपनी विरासत को जानो। देश के, मैं जो सच्चर कमेटी की बात कर रहा था, उसके सचिव थे अबू सलेह शरीफ। उन्होंने 5 अगस्त लगातार पत्राचार डिफेंस मिनिस्ट्री से हुआ। स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी जी उस वक्त डिफेंस मिनिस्टर थे। आपको आश्चर्य होगा, 3 मूर्ति में सारे डॉक्यूमेंट पड़े हुए। मैं सन्न रह गया, मैं इसकी कल्पना नहीं किया। जब लगातार 12 पत्र गए आर्मी को, काइंडली प्रोवाइड द स्टैटिस्टिक्स ऑफ द हिंदू एंड मुस्लिम इन द आर्मी। सम्मानीय जनरल जे सिंह जी सेना अध्यक्ष थे। 2006 को डिक्शनरी में पढ़ा है ना आपने, 5 अगस्त 2006 को जनरल केडीपी सिंह ने, मेजर जनरल केडीपी सिंह जी ने अबू सलेह शरीफ को पत्र लिखा। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना का एक ही चरित्र है, वह देशभक्ति। भारतीय सेना का क्या एक ही सेवा शर्त है? किस सेना की बात है? मैं अपने सदन के ये दम बातों पे तालियां नहीं बजेगी। पानी रखिए। मैं सदन के नेता माननीय पीयूष जी का धन्यवाद देता हूँ, क्या उन्होंने सदन का ध्यान इस बात के लिए दिलाया कि ऐसे मुद्दे होते हैं जो राजनीति से ऊपर होते हैं। तो भारतीय सेना ने जवाब दिया कि हमारा चरित्र देशभक्ति है, हमारी सेवा की शर्त है कि अंतिम सांस तक भारत की संप्रभुता, अस्मिता की रक्षा करना, इसके अतिरिक्त हमारे पास जाति धर्म का कोई संख्यात्मक आधार नहीं। और अंत में भारत की सेना ही एकमात्र संगठन था जिसने सच्चर कमेटी के सभी प्रकार के अनुरोधों, दुराग्रहों के बावजूद स्टैटिस्टिक्स नहीं दिया। मैं अभी भी भारत की सेना का अभिनंदन करता हूं, बधाई देना चाहता हूं उस समय की सरकार की उस दुराग्रह को, सांप्रदायिकता को, सेना में सांप्रदायिकता के विस्फोट करने को रोकने का काम किया। मैं जनरल जे सिंह जी को इसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं। सभापति महोदय, समय सीमित है, प्लीज आपस में बात, प्लीज समय सीमित है। मैं 2 घटनाओं का जिक्र करके बैठना चाहता हूं। पहली बात, देश आजाद हुआ, स्वाभाविक था भारतीय जनसंघ की संख्या छोटी थी, हमारी भूमिका देश की राजनीति में छोटी पार्टी होने का कारण सूक्ष्म थी। जो स्थूल रूप में थे
मैं उनका नाम लेना चाहता हूँ, राम मनोहर लोहिया जी, समाजवादी नेता थे जिन्होंने रामायण मेला बाद में शुरू की। राम मनोहर लोहिया जी ने हिंदुस्तान टाइम्स को एक स्टेटमेंट, अखबारों को एक स्टेटमेंट जारी किया, सभी अखबारों को, 1947 में अक्टूबर के महीने में, 28 अक्टूबर को। घटना यह घटी कि लखनऊ और दिल्ली में दो धर्म के आधार पर कॉन्फ्रेंस हुए, और कॉन्फ्रेंस किसके द्वारा हुआ उस इतिहास की घटना को जानिए, उसमें कोई सांप्रदायिकता नहीं है। हमारे समाजवादी मित्रों को मालूम होगा स्टेटमेंट 15 दिसंबर 1947 को आप पढ़ लीजिए, टाइम्स ऑफ इंडिया 15 अगस्त 1947 को पढ़ लीजिए, देश बढ़ चुका था 14 अगस्त को, पार्टीशन हो चुका था, कराची में सम्मेलन हुआ, भारत के 120 मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि गए, जिन्ना ने निर्णय लिया कि हिंदुस्तान के मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मद्रास मुस्लिम लीग के अध्यक्ष होंगे और लियाकत पाकिस्तान के होंगे। जिन्ना ने कहा अपने पैर पर खड़े रहो, अपना नेतृत्व डेवलप करो, मौलाना आजाद से दूर रहो, वहां से निर्देश लेकर आए, उसी पार्टी की विरासत को लेकर हमारे अब्दुल बहाब साहब चल रहे हैं, उस विरासत को फेंक दीजिए, उस विरासत को फेंक दीजिए, आपकी जड़ में जमीन में आजादी के बाद, आजादी के बाद। अरे बैठ जाइए, संसद है, सहमत की मीटिंग नहीं है प्लीज, ये सहमत की मीटिंग नहीं है प्लीज। अब्दुल वहाब साहब सामर्थ्यवान है अपनी बात को कहने के लिए, अब्दुल वहाब साहब को मैं बताना चाहता हूँ, अब्दुल वहाब इज देयर, ही विल डिफेंड हिमसेल्फ प्लीज। हाँ, ये विल रिप्लाई प्लीज, ही विल रिप्लाई प्लीज। सुन लीजिए, स्टेटमेंट ने वो न्यूज छापा, प्रथम पृष्ठ पर टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापा कि एक दूसरे देश का प्रधानमंत्री हमारे देश के पॉलिटिकल पार्टी का नेतृत्व गठित करते हैं। इससे मैं कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान को यदि आगे बढ़ना है तो जिस मंत्र को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया, वह मंत्र सिर्फ हिंदुस्तान के लिए नहीं है, वह मंत्र दुनिया के सभी देशों का है, जिन देशों में नस्लवाद है, जिन देशों में रंगभेद है, अपार्थाइड है, जिन देशों में ब्लैक एंड व्हाइट डिविजन है, सबका साथ सबका विकास, यह सिर्फ भारत का मंत्र नहीं है, यह वैश्विक मंत्र का इजहार भारत ने, जैसे प्रधानमंत्री जी ने योग को दुनिया तक पहुंचाया, श्री अन्न को दुनिया तक पहुंचाया, वैसे भारत की इस वसुधैव कुटुंबकम से निकली इस विचारधारा को दुनिया को दिया, यह प्रधानमंत्री जी के द्वारा दुनिया को दिया गया एक महत्वपूर्ण योगदान है। सभापति महोदय, मैं जो बात कहना चाहता हूं, यह सदन माखौल उड़ाने की जगह नहीं होती, प्लीज नो नो सदन में हम, प्लीज Nothing is going on. जिस पंथ निरपेक्षता की बात मैं कर रहा हूं, उस पंथ निरपेक्षता को मैं परिभाषित करके सच्चर कमेटी के उस बात को फिर से एक बार दोहराना चाहता हूं। सच्चर कमेटी ने अपने भीतर एक उप समिति बनाया था, जो विद्वान है वो जाकर पढ़ें और संपर्क करें। उप समिति ने क्या रिकमेंडेशन दिया था, उस उप समिति ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूएंसी रिजर्व फॉर द मुस्लिम्स, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स आर डिट्रीमेंटल फॉर द रिजर्वेशन फॉर मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन। उसने यह भी कहा कि सभी ऐसे क्षेत्रों को मिलाकर ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी का गठन करना चाहिए जिससे मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन बढ़ सके। राकेश बसंत उस सदस्य थे सच्चर कमेटी के, वो अहमदाबाद मैनेजमेंट के मेंबर थे, उन्होंने पत्र लिखा, द डिवीजन ऑफ वर्क्स इन सच्चर कमेटी इज लॉपसाइटेड, सम मेंबर्स हैव बीन गिवन वर्क्स व्हिच इज बियॉन्ड द टर्म्स एंड कंडीशन, सम मेंबर्स आर डिप्राइव्ड फ्रॉम द वर्क। इसका कोई उत्तर नहीं है। उपसभापति महोदय, सच्चर कमेटी के 400 पृष्ठों का डॉक्यूमेंट पढ़ जाइए, उसके दूसरे चैप्टर को पढ़िए, वो क्या कहता है कि अस्पतालों में किसी खास धर्म के लोगों को जगह नहीं मिलती, स्कूल के प्रिंसिपल खास धर्म के लोगों को बाहर कर देते, क्या इस देश में एक भी ऐसे इंस्टांस को, घटनाओं को सच्चर कमेटी प्रस्तुत नहीं कर पाई, लेकिन सच्चर कमेटी ने डिवीजन के बीज को बोने का काम किया। जो काम पीरपुर कमेटी किया, शरीफ कमेटी किया, अबुल फैजल कमेटी किया, और उसके पहले हंटर कमेटी किया, उसी की विरासत को लेकर सच्चर कमेटी चल रहा था। उस विरासत को हम खारिज करते हैं, हम अल्पसंख्यक बहुसंख्यक विभाजन को नहीं मानते हैं, हम वन नेशन वन पीपल की अवधारणा को मानते हैं, सब तक अनाज पहुंचेगा, सब तक स्वास्थ्य पहुंचेगा, सबके प्रयास को शामिल किया जाएगा, सबके विश्वास के साथ देश आगे बढ़ेगा, तभी हम भारत के लोग कहलाएंगे, अन्यथा खंडित रूप से हम देखे जाएंगे। और अंत में सिर्फ यह तजामुल हुसैन ही नहीं थे, संविधान सभा में नजीरुद्दीन अहमद थे, संविधान सभा में गुलाम रसूल थी, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि एक दूसरे का विश्वास लिया जाता है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 से लेकर 2022 तक ऐसे किसी कार्यक्रम के बारे में बताइए। जावेद भाई बता रहे थे कि स्कॉलरशिप का बजट कम हो गया, आपको मालूम है सभापति महोदय,
एक ही व्यक्ति चार स्कॉलरशिप लेता था, नाम को का परमिटेशन कम्बिनेशन बैठा के एक एक व्यक्ति को चार चार स्कॉलरशिप मिलता था। भारत सरकार ने ऐसे लोगों को अलग किया तो बजट तो कम हो गए। हमने लोगों को कम नहीं किया। उपसभापति महोदय, उपसभापति महोदय, मैं इसको प्रमाणिक रूप से ऑथेंटिकेट सोमवार को कर दूंगा। जिन लोगों को दर्द होता है, जिनकी दुकानें बंद हो रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कल्याणकारी योजनाओं से जो समाजवाद के नाम पर महलों में रहकर समाजवाद का नाम लेते थे, विलासिता का जीवन देकर समाजवाद का नाम लेते थे, जो एनजीओ चलाकर इस देश में समाजवादी बनते थे, उन सबके दुकान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बंद कर दिया। तो देश में हो विदेश में हो, उनके पेट के दर्द को हम समझते हैं, इसके लिए उनके लिए दवा भी हमारे पास है, चिंता ना करें। इसलिए मैं सदन से अपील करता हूं, यह सदन वह है जिसने बाबा साहब अम्बेडकर के ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को मंजूर किया था, जिसने अपने अंतिम भाषण में कहा था, इस देश को खतरा बाहर की ताकतों से नहीं है, आने वाले समय में इस देश की संप्रभुता को खतरा यहां के मीर जाफरों और जयचंदों से है। ऐसे मीर जाफर जयचंद से देश बचे, देश सही रास्ते पर चले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ऐसे कल्याणकारी योजनाओं के साथ आप खड़े होइए, जनता में आपका विश्वास बढ़ेगा, आपकी विश्वसनीयता बढ़ेगी, तो आपका अस्तित्व भी थोड़ा जमेगा। जितना आप विरोध करेंगे आपका अस्तित्व मिटता जाएगा, मिटते हुए अस्तित्व को यदि आप नहीं देख पा रहे हैं तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। धन्यवाद।